हर्षिता, अनफॉर्चुनेटली ये मैं हमेशा बोलती आई हूँ, ये ओपन सीक्रेट है, ये सिर्फ हाई लिस्टर्स की बात नहीं है, सारे हर छोटे लेवल पे, आप छोटे मॉडलिंग असाइनमेंट्स में हैं तो वहां पे भी ग्रुपिज्म है, वहां भी ड्रग्स है, सारे के सारे टीवी एक्टर्स उनका जो ग्रुप होता है, नॉट आई एम नॉट सेइंग है सारे, क्योंकि मैंने भी काम किया है टीवी पे और मैंने कभी ड्रग्स को हाथ भी नहीं लगाया है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ये कोजी ग्रुप्स हैं, और अगर आप उनके कल्चर का हिस्सा नहीं बनते हैं तो आप ग्रेजुअली आप उनकी ग्रुप से बाहर निकल जाते हैं, और ये होता है, और मैं बिल्कुल खुल के कह रही हूँ कि ऐसा होता है और सारा सारी शालिम जगह को पे दिखाएं। होता है। सारा शालिम, सारा तो शालिम जितना भी हम कह रहे हैं, पहले एक तो ये है इनसाइडर आज कि बता रही सुशांत है। SSR सुशांत सिंह राजपूत की बहुत ही जो दर्दनाक उनकी जो मौत हुई उसके ऊपर ही जांच पड़ताल चल रहा था, हाँ, लेकिन अभी जो खुलासा हो रहा है ये ड्रग हो रहा है ये हो रहा है, तो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले तो बहुत ही ये इन्वेस्टिगेशन से नाखुश हैं। वो कह रहे हैं कहाँ उनको मिल रहा है वो जो ये क्या कहते हैं सुशांत सिंह राजपूत जी का जो वो होता होना चाहिए जो अच्छा खुलासा तो आप सारा इन्वेस्टिगेशन जो शाह पूरी तरह से हो नहीं रही, तो सारा ये शारा हो आप रहा कह रही है हैं, ये एक सेकंड, ड्रग कार्टेल शारा का आप जो कह रही पूरा हैं कि जो अगर ड्रग किस्सा चैट है, मिले तो उसको बंद कर दे, सीबीआई, ईडी, एनसीबी को ना मैं दे, ये नहीं और बोल रही, एनसीबी नहीं अपने नहीं मैं ये दरवाजे नहीं पर बोल रही, ताला लगा ले, मैं क्योंकि ये नहीं बोल रही, नहीं मैं बड़े पूरी बात सास की खत्म बात करने है। दीजिए अंजना जी, पूरी बात खत्म करने दीजिए, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ ये इलीगल ऑफेंस है, ये सब मानते हैं, ड्रग चाहे कोई अपना पर्सनल यूसेज के लिए इस्तेमाल कर रहा हो या बेच रहा हो या कॉन्ट्रैबैंड हो या कमर्शियल पर्पज के लिए, लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ ये जस्टिस कहाँ है इसमें, सुशांत सिंह राजपूत जी का जस्टिस कहाँ है, हम लोग क्या इसको क्लोजर दे सकते हैं भाई, अगर मर्डर नहीं है तो सुसाइड है, सुसाइड नहीं है तो फिर वो शायद खुद शायद ड्रग्स के शिकार होंगे, तो कुछ तो तीन तीन इतनी बड़ी नेशनल एजेंसियां इसकी जांच पड़ताल कर रही हैं, अभी आप बुला बुला के एक एक करके ए लेवल स्टार्स को बुला रहे हैं कि अच्छा, आपकी चिंता 2017 ये में है, क्या चैट हुई थी, ये आपकी चिंता 2015 है में क्या चैट हुई कि थी, ए चिंता लिस्टर्स नहीं को है, नहीं बुलाना चाहिए मैं था, छोटे नहीं मोटे सास बुलाए, को बुला लेकिन लेते, जस्ट है रिया का चैट मिले, सुशांत दीपिका सिंह का चैट मिले, लेकिन राजपूत, बुला लेते छोटे लोगों को, बड़ी बड़े सुशांत लोगों तक सिंह कोई ना पहुंचे। राजपूत जी का जस्टिस कहाँ है, उनके सारा शाह परिवार सलीम, वालों आप से ये आप बात चाहती है कि करिए, बस ड्रग्स की ये जो शायरा, चल रही है ये रुक जाए, ये बंद हो जाए। शायरा शाह हलीम, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको थोड़ा पर्सनल लग सकता है लेकिन जवाब जरूर दीजिएगा, क्या आप चाहेंगे कि चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, पुड़िया वाला हो, कोई भी तरह का हो, आपके बच्चे, हमारे बच्चे ड्रग्स को एक्सपोज हो, क्या आप कभी भी चाहेंगे बिल्कुल ऐसा हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये बता दिया है कि तो ये फिर इलीगल जांच क्यों ना ऑफेंस हो? है एंड किसी को ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए, फिर चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो तो या फिर क्यों डिफेंड नौजवान कर रहे हो, हैं ऐसे लोगों को, फिर क्यों डिफेंड नहीं डिफेंड कर कर रहे रही, हैं, ये बात क्यों उनका नहीं है बुलाना कि आपको सुशांत खटक रहा सिंह है, राजपूत का उनका बुलाना क्लोजर आपको कब क्यों खटक रहा है, मिलेगा, क्योंकि वो बड़े सियास है, कोई हिम्मत ना किसी को करे। कुछ खटक नहीं रहा, किसी को कुछ खटक नहीं रहा, मैं ये कह रही हूँ आप उनके परिवार वालों से बात करिए कि उनका क्लोजर क्यों नहीं हो रहा केस पर, वो तो कह रहे हैं और ये वो सीबीआई से नाराज है, उन्होंने कहा है सीबीआई की देरी उन्हें। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।